हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आज मेरे साथ है आपकी हेली यानी सरा। और आज हाँ, ये इंटरव्यू किसके लिए आप ही बता दीजिए। नहीं, आप बता दो किसके लिए। वेल, ये सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन है हेली के इंस्टाग्राम में 200K फॉलोअर्स क्रॉस हुए हैं, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सारे फैंस को, थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। या थैंक यू। सबसे पहला भाई सारे व्यूअर्स को, सारे मेरे फैंस को, और उसके बाद आपको। थैंक यू, दिस इज यू, कांग्रेचुलेशंस। विजिट 200 फॉलोअर्स, ये बताए सबसे, जब इंस्टा ज्वाइन किया तब क्या सोचा था? ऐसा कुछ सोचा नहीं था एक्चुअली। मेरे दो तीन फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे ऐसे बोला था, अरे तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है। मुझे उस टाइम कुछ ऐसे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ है, फ़ोटोज़ वगैरह ये वो। मैंने बोला बहुत हो गया, मतलब फिर ना वो एक एडिक्शन हो जाती है जब भी आप किसी ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे ऐसे अपना अकाउंट खोलते हो। तो फिर मैंने ऐसे देखा देखी में, मैंने मेरी फ्रेंड रोज़ ताना मारती थी, तू आ जाना। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं अकाउंट बना लेती हूँ। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड अपलोडिंग पिक्चर्स एंड ऑल, एंड फिर वो एक क्रेज़ होता है ना, और एक फिर अच्छा भी लगता है। अब लड़कियों को फोटोज क्लिक करना और अपलोड करना कैसे पसंद नहीं आ सकता। अच्छा, अब तक इंस्टा पे ऐसा कोई मैसेज, ऐसे कोई फैन का मैसेज जो आपको याद हो? बहुत सारे फैंस हैं, इतने सारे फैंस हैं जो मुझे मैसेज करते हैं या कमेंट्स के थ्रू कुछ ना कुछ अपना मैसेज मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबको तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर सकती, बट जो भी मैसेज होते हैं उनके, मतलब मेरे लिए कुछ भी लिखा होता है, मतलब एक क्यूट लिखा होता है ना, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो एक प्यार है जो वो एक सिर्फ उस कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुंचाते हैं। सो आई फील रियली नाइस, और बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग हैं जो इतना सारा प्यार करते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट, एंड जस्ट कीप लविंग मी लाइक दिस ओनली, एंड आई लव यू ऑल। और ऐसे फैंस भी हैं जो एक्चुअल ना सिर्फ इंस्टा एक्चुअल में आपको फॉलो करते हैं, उन फैंस को मतलब उनको पता है कि आज आप क्या सीन शूट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पता है उनको इनफैक्ट आपके बारे में। मतलब ऐसे भी फैंस है जिनको मेरी हर एक चीज़ आई एम श्योर पता है, एवरीथिंग, मतलब चाहे वो कुछ भी हो। तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि इतना ज़्यादा किसी को एडमायर करना, किसी को फॉलो करना, बहुत मेरे सारे फैंस के लिए, मतलब आई जस्ट हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। सो थैंक यू सो मच, एंड बस अब क्या बोलूँ। अच्छा, वैसे उन फैंस की एक और रिक्वेस्ट भी थी कि वो चाहते हैं कि आपको और संस्कार को जल्द ही साथ में देख पाए, क्योंकि वो किसी और के साथ आपको देख नहीं पा रहे, उनको क्या है? सारे स्वासन फैंस के लिए ऑफकोर्स सबको ही पता है कि हम भले ही अलग हुए, बट हम एक हमेशा से थे और हो जाएंगे, बट कब होंगे मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। ये इससे पहले भी मैंने अभी आई थिंक बोला कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है हम दोनों की लव स्टोरी में, जो फिर से अभी शुरू हुई है। सो आई एम श्योर यू गोना लव इट एंड एंजॉय इट। अब मैं और क्या बोलूँ, आई नो सब लोग बोलते हैं कि स्वरा को साहिल के साथ प्लीज़ मत भेजो एंड ऑल, एंड प्लीज़ दोनों को एक कर दो, संस्कार और स्वरा को। सो आई थिंक आप सबको फ़िलहाल पेशेंस रखना है, और जो भी ट्रैक आ रहा है उसको आप इन्जॉय कीजिए, बिकॉज काफ़ी अच्छा मस्त वाला ट्रैक आने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच। जाते जाते एक इंस्टा पोस्ट तो बनता है, वन सेल्फी विद द केक। यस।